नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। वहीं न्याय नहीं मिलने पर न्यायालय की शरण ली है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के निस्तारी तालाब को कृषि भूमि बताकर बेच दिया गया और जिसके द्वारा इस तालाब को खरीदा गया वह व्यक्ति जेसीबी के माध्यम से तालाब को फोड़कर मिट्टी ले जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को नहाने धोने और मवेशियों को पानी पीने के लिए भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर जिले के कलेक्टर को शिकायत भी की गई लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक निस्तारी तालाब है, उस निस्तारी तालाब को कृषि प्रयोजन भूमि बता करके बेच दिया गया है, जिसकी शिकायत हमने माननीय कलेक्टर महोदय से किए थे लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की और सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने यह कहा कि वह तालाब जो है एक सरकारी संपत्ति है जिसकी संरक्षण शासन को हर हाल में करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी उक्त तालाब को विष्णु यदु के द्वारा अवैध उत्खनन करके मिट्टी को अपने खेत में ले जा रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने SDM साहब एवं कलेक्टर महोदय से किए हैं लेकिन अभी तक के कोई उचित कार्यवाही नहीं किए गए हैं। निर्णय जो है वो कोर्ट में होगा, वो प्राइवेट व्यक्ति का है और उसको अभी हमने बोल दिया है कि भाई अभी उसको थोड़ा सा रोक के रखो, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं तो जाऊंगी, उसमें खुद भी पार्टी है वो और उसमें काम भी जो हो रहा है वो किसी और, उसका तो मत है वो चेंज हो ही नहीं रहा है। अभी अगर मान लीजिए कोर्ट में कोई निर्णय पब्लिक के इंटरेस्ट में भी आ जाए, ये अगर उसका गहरीकरण हो जाएगा पानी भरेगा तो फायदा तो पब्लिक को ही होगा।